हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इसमें ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। दोस्तों, आप लोगों की इसी समस्या को देखते हुए मैंने आज आपके साथ एक अपना ब्यूटी सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। वो है दोस्तों एक होममेड फेस पैक। दोस्तों, जो कि घर पर मिलने वाली आसानी से मिलने वाली इंग्रेडिएंट से आप उसको बना सकते हैं। आप इसको हफ्ते में एक या दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बेनिफिट समझ में आएंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें लिए हैं, ये हैं ऑरेंज के छिलके, ये देख लीजिए दोस्तों, और ये हैं अनार के छिलके। मैंने इन्हें क्या किया है दोस्तों कि एक हफ्ते के लिए मैंने इनको छाया में सुखा दिया है। उसके बाद ये मुझे इस फॉर्म में मिल गए हैं। गर्मी इतनी है ज़्यादा दोस्तों, इन्हें धूप में सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये छाया में ही आपको इस तरह से सूखे हुए मिल जाएंगे। एक हफ्ते के बाद ये सूख जाएंगे। सूख जाने के बाद मैंने इन्हें क्या किया है कि ग्राइंडर में पीस लिया है। पीस लेने के बाद देखिए दोस्तों, ये बन गया है इसका पाउडर। ये देखिए, इस तरह से ये एक पाउडर बन गया है। ये है एक टेबलस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून दूध, एक टेबलस्पून ये है बेसन, ये है एक टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें दही, एक टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है ये है मलाई, और ये जो इसका बढ़िया सा ब्यूटी टिप्स कह सकते हैं या सीक्रेट कह सकते हैं दोस्तों, ये है गुलाब जल। गुलाबरी का गुलाब जल मुझे मालूम है आपके पास इसे आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स कैसे करना है दोस्तों, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं सिर्फ डेमो के लिए इसको बहुत थोड़ा थोड़ा डालूंगी, आप बाद में अपने फेस के अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ ये संतरे के और ऑरेंज अनार के छिलकों का पाउडर। फिर थोड़ा सा मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर। फिर लीजिए दोस्तों, ये है बेसन, मैंने इसमें और थोड़ा सा डाल दिया है। फिर लिया मैंने इसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लीजिए। ये है मलाई दोस्तों, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब डाला है हमने इसमें ये है दूध। अब डालेंगे दोस्तों ये है गुलाब जल। गुलाब जल दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गुलाबरी का ही आपको इस्तेमाल करना है गुलाब जल। कुछ लोग होममेड भी इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो आप उसको लीजिए और इसको बहुत अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट भी बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आपको लगे कि थोड़ा सा ये हार्ड हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लीजिए दोस्तों। फिर बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखिए, ज़्यादा थिक भी मत कीजिए और ज़्यादा लिक्विड भी मत कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा हमारा एक फेस पैक तैयार हो गया है, पूरी तरह से होममेड है। आप इसको फेस पर लगाएंगे तो आपको इसके बेनिफिट समझ में आएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। क्योंकि दोस्तों, ऑरेंज के छिलके और अनार के छिलके जो हैं, दोनों क्या होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, और हमारे फेस के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। आप इसको किसी भी एज ग्रुप के हिसाब के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी आप छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्किन पे ये आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने है उसमें, या पिंपल्स हैं आप कह सकते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि उसमें आपको ये मलाई को नहीं डालना है। क्या करना है दोस्तों, ऑयली स्किन के लिए मलाई आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, ओके। इसको आप अवॉइड कर दीजिए। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स दोस्तों वही हैं जो सबकी सभी स्किन पे आपको लग सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। आपको इसे क्या करना है, कैसे अप्लाई करेंगे आप इसको, इस तरह से। पहले मैं हाथ पर बता रही हूँ, आप अपने फेस पर लगा लीजिए। जिस जिस बॉडी पार्ट में आपको लगे कि टैनिंग हो गई है, आपको सनबर्न हो गया है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से उस पार्ट पर लगा लीजिए। आपकी बॉडी में हेयर, बहुत ज़्यादा हेयरी बॉडी है अगर आपकी, आपके बच्चे की, आप इसको उपटन की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसको स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं दोस्तों। ये देखिए, और अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए दोस्तों, हमने इसको इस तरह से लगा करके छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, ये हो गए 10 मिनट। अगर आपको लगता है कि ये 10 मिनट में ये सूख नहीं पाया है, तो आप इसको 15 मिनट भी छोड़ दीजिए, 20 मिनट भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपको इस तरह से इसको सुखाना है, इस तरह से ड्राई करना है कि ये जब आप इसको ऐसे करके बाहर निकालें तो ये थोड़ा सा आपको ड्राई मिलना चाहिए। फिर आप इसको इस तरह से रब करके निकालिए दोस्तों। ये देखिए, ये एक उपटन की तरह भी काम कर रहा है, ये एक फेस पैक की तरह भी काम कर रहा है, और ये एक स्क्रब की तरह भी काम कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, आसानी से आप इसे बाहर निकालिए, ये आपकी टैनिंग को वहाँ सब खत्म कर देगा, आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा, आपके हाथों को ग्लो लाएगा, और इस तरह से आपकी स्किन, ये देख लीजिए, इस तरह से आप इसकी पूरी टैनिंग, और ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये आपको किस तरह से निकल रहा है दोस्तों। देखिए, आपके स्किन की पूरी टैनिंग इसने बाहर कर दी है, और आपकी स्किन कैसे निकल के आई है, एकदम क्लीन, देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसको वॉश कर लेंगे, पानी से साफ कर लेंगे, फिर आपको, ये देखिए दोस्तों, आपने जैसे ही इसको क्लीन किया, आपको स्किन में अपने आप फर्क नजर आने लगेगा। स्किन सॉफ्ट हो गई है, क्लीन हो गई है, उसकी पूरी टैनिंग खत्म हो गई है, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से अपनी बॉडी में अप्लाई किया था। ये देखिए दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और अपने एक्सपीरियंस जरूर लिख करके भेजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होगा दोस्तों। आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू एवरीवन।